कुमार बहुत दबाव में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जिस अपने दामन पर साफ भ्रष्टाचार को लगे हुए दिए हैं। बिहार की सियासत का विराट कोहली अगर कोई है ये लालू का लाल है। देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे। नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम निशा ओझा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजभवन के ठीक बाहर है। पीछे गाड़ी देख रहे होंगे आप जिस पर लालटेन लगी हुई है और अब लोगों का कहना है कि लालटेन का जमाना फिर से लौट आया है। कैसा लग रहा है फिर से महागठबंधन की सरकार आ रही है? अच्छा लग रहा है। बिहार में जो भाजपा की शासन काल था उसमें नीतीश जी अपने को अति महसूस कर रहे थे। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, बिहार का विकास हो। तो कल तक जो नीतीश आप लोगों को जहर लग रहे थे वो अमृत लग रहे हैं? जो आज दबाव में नीतीश कुमार जी काम कर रहे थे केंद्र से लेकर के न केंद्र के विश्वविद्यालय का दर्जा मिल रहा था, न किसानों का लाभ मिल रहा था। राज्यपाल जो है अब तक का सबसे भ्रष्ट राज्यपाल। अच्छा। मगध यूनिवर्सिटी का जो डीसी सभी यूनिवर्सिटी का भी उन पर विशेष निगरानी का इन्हें केस दर्ज करके रखा है। दो दो साल जेल में रहने के बावजूद रजिस्ट्रार बने फिर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को यहाँ तो पहले सबसे पहले राज्यपाल को हट जाना चाहिए अगर इसमें थोड़ा सा भी ये हो तो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अब इन चीजों पर ध्यान देंगे? बहुत अच्छा काम किए हैं नीतीश कुमार, बहुत दबाव में काम कर रहे थे। अच्छा। बहुत अच्छा काम किए नीतीश कुमार ऐसे भाजपाइयों के साथ। भाजपा भ्रष्टाचारी है? बिल्कुल है। उदाहरण आप डेटा चेक करिए, मुजफ्फरपुर थाने में जाकर देखिए। और भाजपा धरना दे रही है, ये कह रही है कि नीतीश कुमार पलटू मारे। नीतीश कुमार पलटू मारे, नीतीश कुमार के दम पे एक ऐसा व्यक्ति है। मैडम, नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जिस अपने दामन पर साफ भ्रष्टाचार को लगे हुए दिए हैं। एक बार ध्यान दीजिए, आपके हिसाब से नीतीश कुमार विकास पुरुष है? बिल्कुल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, अब नीतीश जी उस सपना को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार में जो बनना तय है और माननीय ये बात जब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनका बनना तय है तो सबका कहना यह है कि वो कुर्सी के लोभ में ये काम किए। कुर्सी के लोभ नहीं, देश हित के लिए है। कुर्सी का लोभ क्या होता है? कुर्सी के लिए तो सीताराम जी को कुर्सी दे दी है। मैं समाजवादी पार्टी का बिहार प्रवक्ता हूँ, दमदार कार्यकर्ता आरजेडी का हूँ, पूरा समर्थन हासिल है। इसलिए अभी एक शेर सुन ले आप नीतीश लालू के लिए। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है चंद बातें जो समर्थन के तौर पर, अब अपनी कल आदेश है कि समर्थन देना है। तो मेरी तरफ से एक शेर ले जाइए नीतीश लालू जी पर कि कोहसार यहाँ दब जाते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। नीतीशो लालू की जाल में, नीतीशो लालू जी की जाल में जेपी नड्डा अमित शाह जी पूरी तरह फंस जाते हैं। तो आप यकीन मानिए कि मेरी तरफ से ये शेर ले जाइए कि लालू यादव के दिल की राख कुरेद मत, लालू यादव के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। लालू और नीतीश के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है, भाजपा वालों कहीं तरह हाथ जला न दे। इसलिए हमें बहार का मौसम बिहार में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है आरजेडी के लिए। और ये जुमला जरूर ले जाइए आप कि लालू का लाल रे, लालू का लाल रे, कर दिया कमाल रे, हो मच गया धमाल रे, ओवैसी भी हो गया कंगाल रे। तो ये है सियासत, बिहार की सियासत का विराट कोहली अगर कोई है तो ये लालू का लाल है, तेजस्वी यादव जी। इसलिए नीतीश और लालू जी जो रेल मंत्री भी थे, ये जुमले भी लगाइए कि लालू नीतीश की रेल है, लालू और नीतीश की रेल है, कुदरत का मेल है, जल्दी से बैठो प्यारे वरना गाड़ी फेल है। निराली गाड़ी जन जन तक जाने वाली, न तो इसमें कोयला पानी और न मोबिल तेल है, ये बस बिहार के लोगों के दिलों पर राज करने वाली। इसलिए बिहार के ये दो खिलाड़ी नीतीश जी और लालू जी, भाजपा और एसएस के बड़े नेता की जहाँ से खोपड़ी सोचना बंद कर दे वहाँ से नीतीश और लालू जी की शुरू। कल तक आप ही लोग नीतीश कुमार को पोस्ट रहे थे, आज आप ही लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आज के मुजफ्फरपुर में आकर के आरजेडी का मतलब समझा रहे थे प्रधानमंत्री जी, आज ले जाइए भाजपा वाले को समझाइए कि आरजेडी का मतलब रोजाना जनता को कितने
भाजपा के दलदल से बाहर निकलना। बहुत खुश है, समाजवादमय हो गया है पूरा बिहार, और जिस तरीके की सरकार बनी है बिहार का विकास होगा, बहुत विकास होगा, गिरफ्तारी के साथ होगा, नौकरी देंगे 10 लाख, जो वादा किए हैं वो देंगे ही। आप लोगों को कितना सच्चाई लग रहा है, नौकरी देंगे 10 लाख, नौकरी सरकारी देंगे, क्या हाल है, ये समय आने पर आश्वासन जरूर मिलेगा, दोनों मिले देश को बचाने के लिए मिले, देश में एक नया दिशा, देश को बेचने जा रहा था उससे ये बचाने का काम किया। बिहार में नीतीश कुमार और बाहर वाला बात सच है पूरे हिंदुस्तान में बाहर आए, जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय नीतीश जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बन सके वो सपना नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर, और पूरा देश प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे, अगला प्रधानमंत्री 2024 में देश के प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे। और उससे बिहार को क्या फायदा होगा, बिहार का दोगुना विकास होगा, 2400 घंटे विकास होगा, 3 दुगुना चौगुना विकास होगा। मैडम ये जो विपक्ष जो है पूरा विपक्ष मिलकर इनको प्रोजेक्ट करेगा, नीतीश जी को माननीय मुख्यमंत्री को बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आरजेडी की सरकार आने से फायदा होगा। देखिए उम्मीद ये है कि जब नीतीश कुमार आज फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो आने वाले चुनाव में उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार का विकास दोगुनी तेजी से होगा। फिलहाल यहाँ जो माहौल है वो देख लीजिए, राजभवन के सामने खचाखच लोगों की भीड़ यहाँ पर है, और जो लोग है वो कह रहे हैं कि जैसा वादा यहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों से किया है वो करेंगे। अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, ऐसे में देखना होगा कि ये कितना सच होता है। फिलहाल यहाँ पे तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और ये भी तय हो जाएगा कि मंत्री किनको किनको आरजेडी और जदयू के कोटे से बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।